नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका हैशटैग फैन सलीम मर्चेंट और लेकर आया हूं हिंदी सिनेमा के ट्रेंड सेटिंग गाने और उनसे जुड़ी म्यूजिकल कहानियां मेरे इस अनोखे शो हैशटैग से। शुरू करते हैं आज का सेलिब्रेशन। पहले शो का एक छोटा सा ट्रेलर आपको सुनाता हूं। कैसे पंचम दा को था एक दिन आइसक्रीम खाना और इसी आइसक्रीम से बच गया एक हिट। क्या आपने पहचाना? मैं बताता हूं ये कहानी, सुनिए। फिल्म जवानी दीवानी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश बहल और आर डी वर्मा जी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर फुर्सत में तफरी पर निकल जाते थे। पंचम दा जितने गाने के शौकीन थे उतने ही खाने की इबादत है और ये शो के जरिए मुझे बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज भी प्राप्त हो रही है। कैसे ये हिट गाने बने और कैसे कुछ कुछ हिट गानों के पीछे कुछ कमाल की जो कहानियां हैं किससे, उसको जानकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ स्टोरीज तो ऐसी है कि जो कुछ गाने मेरे इतने दिल के करीब है, ना केवल मेरे, पूरी दुनिया के। हम सब हिंदी फिल्म के गानों के दीवाने हैं, खासकर जो गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक रहा है। बिल्कुल, जो कमाल के हमारे कंपोजर्स रहे हैं, आर डी बर्मन जी और रश्मिकांत कैरला, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी, मदन मोहन साहब, जयदेव जी, और इतने अमेजिंग गाने बनाए हैं और क्या स्टोरीज रही है इस गानों के पीछे। तो आज भी वो उनकी आवाज रिकॉर्डिंग में मौजूद है। क्या तो ये सब फनी जो चीजें हैं। और देखिए, बहुत सभी को लग रहा था कि गाना कभी हिट होगा नहीं, लेकिन ये सुपर डुपर हिट हो गया है। वंडरफुल। और ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकी चीजें हैं, जैसे कि जय जय श्री शंकर जो गाना है वो ऑब्वियसली शंकर भगवान की जय जयकार है। Still in a box, but I'll enjoy doing different things. I feel being an RJ for me is an extension to my personality, and you know, God has blessed me with this thing about communicating with people. ये ज़रूर आप कह सकते हो कि शायद फिल्में साउथ में ज़्यादा बेहतर बनती हैं, but ये आपका नज़रिया है। मैं इतनी फिल्में साउथ की देखता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है। मैंने हाल ही में जब दंगल देखी, हाल ही में जब मैंने